वेलकम टू जी वे स्मार्ट कुकिंग। और आज की रेसिपी है आम का अचार। देखिए, ये मैंने कच्चा आम लिया है। इन आमों को मैंने 2 घंटे तक पानी में भिगोने के लिए रख लिया था और उसके बाद अच्छे से सुखा के मैं इनके डंठल वाले एरिया को हटा रही हूँ। ध्यान रखिएगा, कैरी जितनी खट्टी होगी उतना ही आपका आम का अचार अच्छा बनेगा। ये देखिए, मैंने इन्हें छोटे छोटे पीस में काट लिया है। मैंने इन्हें चाकू से ही काटा है और अब हम इनमें डालेंगे थोड़ा नमक और हल्दी और इन्हें हमें 2 घंटे तक छोड़ देना है, या चाहें तो आप धूप में भी इन्हें सुखा लीजिएगा ताकि जो आम का एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और आम का अचार अच्छा बने। अब इन्हें धूप में सुखा लीजिएगा। और अब हम अपने मसाले तैयार करेंगे। इसके लिए लिया मैंने मेथी दाना, सौंफ और कलौंजी, या इसे मंगरेल भी कहते हैं। इस सभी मसालों को हमें रोस्ट करना है। तवा गरम है, अब मैं मेथी दाना रोस्ट करूंगी। मेथी दाना को हमें अच्छे से रोस्ट करना है लगातार चलाते हुए। इसके बाद मैंने सौंफ को लिया है, सौंफ को भी हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। आप इसे लगातार चलाते रहिएगा, अच्छे से रोस्ट कीजिएगा इन्हें। अब इन मसालों को हमें ग्राइंड करना है। आप थोड़ा दरदरा इन्हें ग्राइंड कीजिएगा। देखिए, मसाला ग्राइंड हो चुका है और अब मैं इन्हें एक बाउल में डाल दूंगी। मैंने इन्हें बारीक नहीं पिसा है, थोड़ा मोटा ही हमें इन्हें रखना है। देखिए, हमारी कैरी जो है अच्छे से सूख चुकी है। अब इस कैरी में हम मसाले मिलाएंगे। मसाले मैंने घर के लिए हैं। सबसे पहले मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, उसके बाद 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि कोई भी अचार बनाने में लाल मिर्च पाउडर और नमक थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है। इसके बाद मैं नमक डालूंगी। नमक मैंने पहले भी डाला हुआ था सुखाने के लिए। और अब जो ये मसाला बना हुआ है ना, उस मसाले को भी हम अपनी कैरी में डाल लेंगे। लगभग सारा मसाला मैं इसमें डाल लूंगी। और अब हम इसमें डालेंगे तेल। तेल जो है ये मैंने कच्चा लिया है। देखिए, मैं इसमें 1/2 कटोरी तेल यूज़ करूंगी। मैंने 1 कटोरी तेल लिया है, इसमें से मैं 1/2 कटोरी तेल अभी डाल लूंगी और 1/2 कटोरी तेल मैं बाद में डालूंगी। अभी हमें इस तेल को अच्छे से कैरी के साथ और मसालों के साथ मिला लेना है। ये देखिए, आम का अचार बनकर तैयार हो गया। देखा कितने जल्दी आम का अचार बनकर तैयार हुआ है। आप इसे तुरंत भी यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें कच्चा आम का अचार पसंद है। और जिन्हें थोड़ा गला हुआ अचार पसंद है वो इसे 2 से 3 दिन तक धूप में रख दीजिएगा। ये जो कैरी है ये एकदम से गल जाएगी। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही जल्दी बनने वाला आम का अचार। देखिए, मैंने सारे अचार को डिब्बे में डाल लिया है और जो मैंने 1/2 कटोरी तेल बचाया था उस तेल को मैं ऊपर से डाल लूँगी। ध्यान रखिएगा, मैंने तेल कच्चा ही लिया है क्योंकि जब हम इसे धूप में सुखाएंगे तो तेल अच्छे से पक जाएगा। और बस अब आपको इसे अच्छी तरीके से एक बार हिला लेना है। देखिए कितना सुंदर अचार बना है ना, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। Thanks for watching my video. If you like, please like, subscribe and share.